उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में जिले के व्यापारियों की मांग पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद अमेठी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने DRM को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा, जिसमें प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को पुनः चलाने की उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई है मांग। एक तरफ जहां ट्रेन न चलने से व्यापारियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किराया भाड़ा अधिक लगने से उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर मिल रहा है सामान। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। हरिशंकर जायसवाल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद अमेठी। किस उद्देश्य से आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे? क्या आज अमेठी जनपद के कुछ बाजारों की मांग थी, जो अमेठी से यात्रा करते थे, अमेठी और गौरीगढ़ और जायस से, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए जो रेल व्यवस्था थी, जो कि कानपुर से चलकर लखनऊ होते हुए कानपुर जाने वाली, प्रतापगढ़ से चलकर लखनऊ होते हुए कानपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये विगत लॉकडाउन फर्स्ट से बंद पड़ी है, जिससे व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। और व्यापारियों की मांग से आज हम लोग अमेठी नगर के व्यापार मंडल और जिला कार्यकारिणी के व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण आज इस DRM साहब को द्वारा स्टेशन अधीक्षक अमेठी एक ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि प्रतापगढ़ टू कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पुनः चलाई जाए, जिससे व्यापारियों की सुविधा हो और व्यापार अच्छी तरह चले।